मुस्लिम देश बेदम, मैं होता तो चला देता एटम बम। ये बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इसराइल और हमास की लड़ाई के बीच इसराइल को धमकाते हुए कहा। लेकिन किम की इस धमकी ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि परमाणु बम की सनक दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक चुकी है, देख चुकी है। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या दुनिया एक और परमाणु हमला अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि अगर परमाणु हमला हुआ तो एक झटके में दुनिया कई दशक पीछे चली जाएगी। तानाशाह का ट्वीट बम दुनिया में मचा हड़कंप। इस्लामिक वर्ल्ड को भड़काया, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया। युद्ध में उतरेंगे महाविनाशक हथियार, इसराइल को नॉर्थ कोरिया की ललकार। परमाणु बम की नुमाइश दुनिया को तबाह कर देगी, किम की ख्वाहिश। पांच हजार 269 मौत, 18,422 घायल, हजारों इमारतें तबाह, करोड़ों अरबों का नुकसान। ये 15 दिन से जारी इसराइल और हमास की लड़ाई में सामने आए वो आंकड़े हैं जो हर घटते पहर के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इसराइल को ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किम जोंग उन ने अपने परमाणु हथियारों की सनक दिखाते हुए कहा है कि फलस्तीन सिर्फ एक अरब या मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्रता का मुद्दा है। इसराइल ने यरूशलम पर कब्जा किया है, जिसे वो पवित्र मानता है, और मुस्लिम शासक केवल निंदा करते हैं और इंतजार करते हैं। अगर हम होते तो अपनी सभी परमाणु मिसाइलों का परीक्षण इसराइल पर कर चुके होते। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग जब मुंह खोलता है परमाणु बम और अपने हथियारों की भाषा बोलता है। कई बार वो अमेरिका तक को परमाणु बम की धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार उसने धमकी देकर इस्लामिक वर्ल्ड को इसराइल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। अभी युद्ध में सफेद फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर लंबी बहस छिड़ी है। अगर युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जितनी मौत 15 दिन की जंग में हुई है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा एक दिन में हो जाएंगी, और दुनिया एक झटके में कई दशक पीछे चली जाएगी। दुनिया परमाणु बम की ताकत दूसरे विश्व युद्ध के समय देख चुकी है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था। यह धमाका इतना बड़ा था कि आसमान पर धूल का गुबार छा गया था, जिंदगी का नामोनिशान मिट गया था। लेकिन अब के परमाणु बम उससे कहीं ज्यादा घातक हैं। ऐसे में किम की सनक भरा ये ट्वीट इसलिए भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि युद्ध में हमास नॉर्थ कोरिया के दिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ने हमास के हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर रखा है। जो हथियार मिले हैं उनमें नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार शामिल हैं। इसमें कई ऐसे हथियार हैं जो एडवांस वेपन माने जाते हैं, जिसमें F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, जो कंधे से दागे जाने वाला हथियार है। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जाता है।
हमास के आतंकियों के पास ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं और ये खुलासा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, क्योंकि इस वक्त जो ये हथियारों का जखीरा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उन्हीं हमास आतंकियों से बरामद हुआ है जो गांव में घुसकर इजरायली लोगों का कत्लेआम करने के लिए आए थे। जो ग्रे कलर के आप ये रॉकेट देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का राउंड बैंड लगा हुआ है ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और सामने जहां वो नीचे रॉकेट जो रखे गए हैं और मोर्टार टाइप रखे गए हैं जहां ये एक सैनिक खड़ा है ये बताए जा रहे हैं ईरान के। उधर किम जोंग उनके ट्वीट का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। ईरान ने अपने जंगी हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी है। दरअसल हमास के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहता जिसकी कमान ईरान संभाल रहा है। इस वक्त दुनिया में 57 देश इस्लामिक संगठन में आते हैं जो दुनिया की 21% आबादी, 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 8% GDP की ताकत रखते हैं। लेकिन हमास को जितनी ताकत इस्लामिक वर्ल्ड से मिल रही है उतना ही दम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से भी मिल रहा है। अब सवाल बड़ा है कि किम की सनक बड़ी तबाही तो लेकर नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब दुनिया में अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं। ऐसे में एक चिंगारी बड़ी आग भड़का सकती है। ABP News आपको रखे आगे।